सब्सक्राइब करें टेकमाइंड चैनल को और क्लिक करें इस बेल बटन पर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल उधार खाता ऐप ओके क्रेडिट और खाता बुक के बारे में। इनमें से डिजिटल उधार लेन देन के लिए सबसे अच्छा ऐप कौन सा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश सैनी और आप देख रहे हैं YouTube चैनल टेकमाइंड वर्ल्ड। ओके क्रेडिट और खाता बुक दोनों ही ऐप से आप उधार लेन देन को डिजिटल तरीके से मैनेज कर सकते हैं, यानी आप दोनों ही ऐप से उधार खाता मैनेज कर सकते हैं। दोनों ही ऐप को भारत में बनाया गया है। सबसे पहले ओके क्रेडिट ऐप की बात करें तो ओके क्रेडिट ऑनलाइन उधार बही खाता ऐप है जो दुकानदारों और उनके ग्राहकों के उधार लेन देन का हिसाब रखने के लिए है। और जो लोग उधार में बिजनेस करते हैं या उधार पैसा देते हैं यानी कर्ज देते हैं, वो लोग भी अपना हिसाब किताब इस ऐप में रख सकते हैं। इसमें हर लेन देन की जानकारी दोनों पार्टियों के पास ऑटोमेटिकली मुफ्त SMS के द्वारा चली जाती है, जिसके कारण भविष्य में दुकानदार और कस्टमर के बीच में किसी कन्फ्यूजन का चांस नहीं रहता है। चलिए अब बात करते हैं इस ऐप का इस्तेमाल कौन कौन कर सकता है। किसी भी कैटेगरी में आने वाले दुकानदार इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी मोबाइल रिचार्ज शॉप, इलेक्ट्रॉनिक शॉप, छोटे और मध्यम बिजनेस करने वाले लोग जो उधार में सेलिंग करते हैं वो भी इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। किराना शॉप, जनरल स्टोर, ग्रोसरी स्टोर और प्रोविजन स्टोर वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकरी, स्नैक्स और जूस शॉप वाले, मेडिकल स्टोर और लोकल फार्मेसी वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पान, चाय और सिगरेट की दुकान वाले और कोई भी व्यक्ति अपने पर्सनल यूज के लिए इस ऐप का इस्तेमाल कर सकता है। चलिए अब मैं आपको इसके एडवांटेज के बारे में बता देता हूँ। इस ऐप का इंटरफेस बहुत ही सिंपल और इजी है, कोई भी इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। आप एक क्लिक में किसी भी कस्टमर का बकाया देख सकते हैं। कस्टमर को सभी लेन देन का अपडेट फ्री SMS के द्वारा मिल जाता है। आप WhatsApp पर और SMS के द्वारा कभी भी पेमेंट के लिए रिमाइंडर भेज सकते हैं। कस्टमर SMS और WhatsApp मैसेज में गए लिंक पर क्लिक करके ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं। सभी ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती हैं, यानी आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है। सभी हिसाब किताब का बैकअप 100% ऑनलाइन सेफ रहता है, यानी कोई भी रिकॉर्ड खोने का डर नहीं रहता है। मोबाइल चेंज करने पर OTP वेरिफिकेशन करने के बाद पूरा रिकॉर्ड वापस पा सकते हैं। पेंडिंग पेमेंट के लिए कस्टमर को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ओके क्रेडिट ऐप और इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होता है। ऐप की सिक्योरिटी के लिए आप इसमें लॉगिन पासवर्ड और पेमेंट पासवर्ड लगा सकते हैं। ओके क्रेडिट ऐप का यूज करने के बाद आपको वही खाता, पेन, पेपर और कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ओके क्रेडिट अकाउंट को एक से अधिक फोन पर एक साथ मैनेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। इसका पहला नेगेटिव पॉइंट है कि इसमें आप मल्टीपल खाता बुक नहीं बना सकते हैं, यानी अगर आपके एक से ज्यादा बिजनेस या शॉप हैं तो आप उनके लिए अलग अलग खाता बुक नहीं बना सकते, किसी एक की ही खाता बुक मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, इसमें आप कस्टमर से पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए बैंक अकाउंट लिंक नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं खाता बुक ऐप के बारे में। खाता बुक भी ऑनलाइन उधार बही खाता ऐप है जो विशेष रूप से दुकानदारों और छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए बहुत ही यूजफुल है। जो उधार लेन देन पर बिक्री करते हैं या उधार पैसा देते हैं यानी कर्ज देते हैं, वो अपने ग्राहकों के उधार लेन देन का हिसाब किताब खाता बुक में डिजिटल तरीके से रख सकते हैं। ओके क्रेडिट की तरह इसमें भी हर लेन देन की जानकारी कस्टमर के मोबाइल पर ऑटोमेटिक मुफ्त SMS के द्वारा चली जाती है। चलिए अब बात करते हैं इस ऐप का इस्तेमाल कौन कौन कर सकता है। ओके क्रेडिट की तरह इस ऐप को भी किसी भी कैटेगरी में आने वाले दुकानदार, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज और इलेक्ट्रॉनिक शॉप, किराना स्टोर, जनरल स्टोर, प्रोविजन स्टोर, बेकरी, स्नैक्स और जूस की दुकानें, ज्वेलरी शॉप, मेडिकल स्टोर, लोकल फार्मेसी, गारमेंट्स, टेलर की दुकान, पान, चाय, सिगरेट की शॉप वाले और कोई भी व्यक्ति जो पर्सनल उधार लेन देन करता है वो भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। इस ऐप का इंटरफेस बहुत ही आसान है, कोई भी इसे आसानी से यूज कर सकता है। ये 100% फ्री और सिक्योर ऐप है। कस्टमर को सभी ट्रांजेक्शन का अपडेट फ्री SMS के द्वारा मिल जाता है। अपने दोस्तों और परिवार के उधार लेन देन के लिए पर्सनल खाता बुक बना सकते हैं। पेमेंट के लिए कस्टमर के WhatsApp पर और SMS के द्वारा रिमाइंडर भेज सकते हैं। कस्टमर से पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए आप इसमें अपना बैंक अकाउंट या UPI ID ऐड कर सकते हैं। पेंडिंग पेमेंट रिसीव करने के लिए SMS और WhatsApp पर ऑनलाइन पेमेंट लिंक भेज सकते हैं, जिस पर क्लिक करके कस्टमर आपको पेमेंट कर सकता है, जो कि सीधे आपके लिंक बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। लेकिन कुछ टेक्निकल वर्क के कारण अभी इसे डिसेबल कर दिया गया है, जल्द ही फिर से इनेबल कर दिया जाएगा। एक से अधिक शॉप और बिजनेस को एक ही ऐप में मैनेज कर सकते हैं। अपने कस्टमर की रिपोर्ट PDF फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। एक खाता बुक अकाउंट को एक से अधिक फोन पर एक साथ मैनेज कर सकते हैं। अपने कस्टमर के लिए पेमेंट रिमाइंडर डेट सेट कर सकते हैं। ऐप को सिक्योर रखने के लिए ऐप लॉक लगा सकते हैं। हिसाब किताब का बैकअप 100% ऑनलाइन सेफ रहता है। आप मैनुअली भी बैकअप ले सकते हैं और रिस्टोर कर सकते हैं।
कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को कभी भी एडिट कर सकते हैं, ऑल ट्रांजेक्शन को कभी भी एडिट कर सकते हैं, पेंडिंग पेमेंट के लिए कस्टमर को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। दोस्तों दोनों ही ऐप में लगभग सेम फीचर हैं, सिवाय इसके खाता बुक में आप एक से ज़्यादा बिजनेस या शॉप के लिए मल्टीपल खाता बुक बना सकते हैं, लेकिन ओके क्रेडिट में एक ही खाता बुक मैनेज कर सकते हैं। खाता बुक में पेमेंट रिसीव करने के लिए बैंक अकाउंट और UPI ID ऐड कर सकते हैं, लेकिन ओके क्रेडिट में बैंक अकाउंट ऐड नहीं कर सकते हैं। खाता बुक के मुकाबले ओके क्रेडिट का यूजर इंटरफेस थोड़ा इजी है। दोस्तों अब आपको ओके क्रेडिट और खाता बुक ऐप के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।